मणिपुर में हुई हिंसा व महिलाओं के साथ हुई दरिदंदगी व अत्याचार के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा मोती डोगरी राजीव पार्क से होते हुए कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकाला, जिसमें कांग्रेस के पूर्व सांसद एवं कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी, कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष मंत्री टीकाराम जूली, शकुंतला रावत सहित आम जन मौजूद रहे। घटना को लेकर मंत्री शकुंतला रावत ने बताया कि मणिपुर की हिंसा जब महिलाओं के साथ हुए जघन्य अपराध ने केंद्र की बीजेपी सरकार जब मोदी चुप्पी साधे हुए है, वहां की जनता खौफ कहां से आएगा। लेकिन केंद्र सरकार लीपापोती का कार्य कर रही है। सुनिए मंत्री शकुंतला रावत ने घटना को लेकर किस तरीके से ये जो एक शर्मनाक घटना जो वीडियो वायरल हो रहा है मणिपुर का, कि किस तरीके से महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, किस तरीके से बच्चों के साथ में, जो वहाँ पर एक हिंसात्मक माहौल बना हुआ है। तो हमारा देश की सरकार से निवेदन है कि पूरे भारत में एक जन आक्रोश है, महिलाओं में आक्रोश है कि किस तरीके की घटना आज स्वतंत्र भारत में इस तरीके की घटना घट रही है। ये बहुत ही शर्मनाक घटनाएं हैं कि मणिपुर में आग लग रही है, हमारे ही भारत देश का एक कोना है, वो क्षेत्र है, तो कम से कम वहाँ पर भारत सरकार को जाकर के संज्ञान लेना चाहिए कि महिला और बच्चों पर, वृद्धों पर इस तरीके का अत्याचार नहीं हो। क्योंकि भारत देश का आम जन उम्मीद करता है कि देश के शीर्ष नेतृत्व में बैठे हुए नेता बीजेपी के, उनसे निवेदन है कि एक हमारे भारत देश में, स्वतंत्र भारत देश में इस तरीके का अत्याचार हो रहा है, बड़े दुख की बात है। तो इन चीज़ों को एक सीरियस लेकर के वहाँ पर कोई कठोर कदम उठाना चाहिए। जैसे कि भाई, मैं तो यही मानती हूँ कि सम्मान्य पूर्व हमारी प्रधानमंत्री जो इंदिरा जी थी, जो निर्णय लेती थी कि विदेश भी उनके मुंह की खानी पड़ती थी, तो कम से कम अपने देश में, अपने देश के लोगों की, जनता की, महिलाओं की, बच्चाओं की रक्षा हो सके, उसके लिए कोई ना कोई कठोर कदम उठाया जाए। आगे से इस तरीके की घटना नहीं हो, इस तरीके का प्रयास किया जाए। पूरे भारत देश में आज आक्रोश है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम ज्ञापन दे रहे हैं कि जागे प्रधानमंत्री महोदय, सरकार बीजेपी की सरकार जागे, राष्ट्रपति महोदय को निवेदन कर रहे हैं कि जागे और इस तरीके का हमारे स्वतंत्र भारत में घटना आगे नहीं रिपीट। लाल डायरी का मामला चल रहा है, आपके मंत्री उन्होंने लाल डायरी का मुद्दा उठाया? कुछ नहीं है, लाल डायरी में कुछ भी नहीं है। अगर हो तो कोई उसकी जांच करा के दिखाए ना, कोई नहीं है उसमें, कुछ नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के पास क्या है कि अब कोई विकास का मुद्दा बचा नहीं है। कोई सड़क की बात करें, पानी की बात करें, कि स्कूल की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो योजना है, बजट घोषणा है, महंगाई राहत कैंप लगाए, उससे क्या बीजेपी को घबराहट हो रही है और बीजेपी के नेता घबरा करके, अब उनको कुछ पॉइंट मिला नहीं है तो वो लाल डायरी लेकर के आगे। लाल डायरी में कुछ नहीं है, खोलकर पन्ने दिखाएं, जांच करें, चौड़े की बात है करें, वो किस तरीके की वो चाहे जिससे कराए, किसमें पाबंदी थोड़ी है, वो चाहे जैसे करें, लेकिन उसमें कुछ नहीं है। क्योंकि अब उनके पास कोई पॉइंट नहीं बचा है, तो अब वो या तो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे कोई ना कोई नए नए एक कहना चाहिए कि नए नए आयाम लेकर के आएंगे कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, बाकी उनके पास कुछ बचा नहीं है। बीजेपी किस मुद्दे को लेकर के चुनाव लड़े उनके, तो इसलिए वो कोई ना कोई डायरिया लेकर के आएंगे, कोई ना कोई मुद्दा लेकर के आएंगे। और ये एक बड़ी, एक मैं तो ये कहूँगी कि मुख्यमंत्री महोदय ने उनके पास कोई पॉइंट ही नहीं छोड़ा। बड़ी बात ये मैडम, कल जो अलवर कांग्रेस की पीसीसी में सारे पार्षदों को, कांग्रेस के शहर अध्यक्ष को धरना देना पड़ा मिलने के लिए, एक समस्या के लिए दो दो या कैबिनेट मंत्री है, उसके बावजूद मिलने के लिए धरना देने की जरूरत नहीं है। कभी भी कोई ऐसी बात होती है तो अध्यक्ष जी हमारे आराम से मिलते हैं, प्रदेश अध्यक्ष महोदय आराम से मिलते हैं, हम लोग 24 घंटे मिलते रहते हैं, रात के दो दो तीन तीन बजे तक मिलते हैं, ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। वो क्यों गए उनका कारण जानने का प्रयास होगा। क्या बात सरकार।